हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का टो दो पॉइंट के इकोनॉमी के सेशंस में हमने पिछले चैप्टर में म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात किया हुआ था आज के इस चैप्टर में हम क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करेंगे देखिए मॉनेटरी पॉलिसी जब भी आप टर्म इस्तेमाल करते हैं तो इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विथ आर ठीक है यानी कि मनी सर्कुलेशन से रिलेटेड है देश में जितना भी मनी सर्कुलेट होता है मनी की सप्लाई सब भी सर्कुलेट होती है इट इज़ रिलेटेड टू आर और जब भी आप वर्ड फिजिकल सुनते हैं फिजिकल यानी कि इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद फाइनेंशियल मिनिस्ट्री यानी कि दिस इज पॉलिसी मेकिंग दिस इज गवर्नमेंट ऑफ द डे वेर एज मॉनिटरी इज परमानेंट एंड इट रिलेट्स विद सेंट्रल बैंकिंग दैट इज़ आर ठीक है तो आइए इस वीडियो में हम क्रेडिट और मॉनिटरी पॉलिसी से रिलेटेड और चंद इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है सी आर आर एस एल आर रेपोरेट वगैरह इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे तो आइए शुरू करते हैं वॉट इज मेड बाय मॉनिटरी पॉलिसी हम एक ओवरव्यू देखने की कोशिश करेंगे ठीक है रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक दट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द बैंकर्स ऑफ ऑल द बैंक इन मैटर्स ऑफ इंटरेस्ट रेट मनी सप्लाई एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इकोनॉमी में किस तरीके के इंटरेस्ट रेट्स होंगे क्या क्या रेट्स चार्ज किए जाएंगे लोन्स पर बोरोइंग्स पर मनी की सप्लाई किस तरीके से होगी ज़्यादा होगी या कम होगी क्योंकि कई बार हमने इन्फ्लेशन के चैप्टर में बात किया कि मनी सप्लाई से डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ इन्फ्लेशन ठीक है और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट दिस इज़ ऑल्सो डायरेक्टली रिलेटेड विद द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी जितना क्रेडिट अवेलेबल होगा उतना ही अच्छे खासे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स वगैरह हमें देखने को मिलेंगे तो ये सभी जो है आर के हाथ में होता है दिस इज़ मॉनिटरी पॉलिसी इट इज थ्रू द मॉनिटरी पॉलिसी आर बी आई कंट्रोल्स इन्फ्लेशन इन द कंट्री दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई द कंट्रोल हैज बीन गिवन टू आर बी आई देखिए जब हम फिजिकल कहते हैं तो भारत सरकार डील करती है पाँच साल के लिए एक सरकार है बाकी पाँच साल की नई सरकार आएगी लेकिन कंट्री को तो चलना है इकोनॉमी को तो इसी तरीके से कंटिन्यू होना है तो जाहिर सी बात है कि इन्फ्लेशन वगैरह कंट्रोल करने के लिए इकॉनमी में मनी सप्लाई सर्कुलेट करने के लिए आर बी आई जो है ये मॉनिटरी पॉलिसी डील करता है इशू करता है RBI uses various monetary instruments मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट्स लाइक रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट एस एल आर सर आर एक्सेट्रा टू अचीव इट्स पर्पस ठीक है तो दिस विल बी वेल एक्सप्लेन इन आर अर्लियर आर्टिकल्स बेस्ड ऑन इकोनॉमी कॉन्सेप्ट बिल्कुल कई बार भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है ठीक है तो इन डिटेल देखेंगे कि दरअसल ये रेपो रेट रिवर्स रेपो रेपो रेट इन इंटरेस्ट रेट्स को इस्तेमाल करके किस तरीके से आर जो है क्रेडिट को और इकोनॉमी के मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है सबसे पहला व्हाट इज रेपो रेट रेपो रेट होता क्या है कई बार हम न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी देखते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एक बैंक को अगर पैसे की जरूरत है इफ इट वॉन्ट टू बोरो मनी इट कैन बोरो फ्रॉम आर बी आई तो द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आर बी आई प्रोवाइड्स लोन और बोरोइंग्स टू द बैंक्स कमर्शियल बैंक्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स ठीक है और यहां से कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लेता है बैंक से ठीक है यहां पर आपने देखो कोलैटरल ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज जो कुछ भी है आपके पास गोल्ड है आप दे सकते हैं आपके पास गवर्नमेंट uh, के सिक्योरिटी uh, गवर्नमेंट uh, के जो इंपॉर्टेंट ट्रेजरी बिल्स वगैरह होते हैं आपके पास वह इस तरीके से गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज अगर आपके पास क्या हो तो वो आपको ओवरनाइट फिक्स करके दिया जाता है दिस रेट इज कॉल्ड एज रेपो रेट ठीक है

अब आप समझ सकते हैं कि खुद बैंक जाकर आर से लोन ले रहे हैं आर को क्या मजबूरी हो गई कि वो बैंक से, से लोन ले देखिए दिस इज वेयर यू आर गेटिंग रॉन्ग मॉनिटरी पॉलिसी कुछ ऐसा नहीं चलती मॉनिटरी पॉलिसी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है दरअसल लोन्स देकर या फिर लोन्स लेकर आर दरअसल मनी की सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है सोसाइटी में समझ में आ रही है बात बैंकर जब लोन लेता है और जब रेट के हिसाब से आरबीआई उसे लोन देता है तो मनी की सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाती है और जब आरबीआई बैंक्स से जो है अपने लोन्स लेता है या फिर बैंक्स बैंक्स से आर बी जब लोन लेता है वो मनी सक कर रहा है एकनॉमी से यानी कि वो मनी ले रहा है एकनॉमी से इससे इसके खातिर मनी की सप्लाई कंट्री में कम हो जाएगी तो ये दरअसल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये सभी रेट्स अनाउंस किए जाते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एम एस एफ फैसलिटी अंडर विच्यूल कमर्शियल बैंक कैन बोरो एन एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द रिजर्व बैंक डिपिंग इंट द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो पोर्टफोलियो अप टू अ अ लिमिट एट पेनल्टी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिस प्रोवाइड्स अ सेफ्टी अगेंस्ट अनिपेटेड लिक्विडिटी शॉक्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम आपका जितना भी लिक्विडिटी रेशियो है एक बैंक का जितना आपका इन्वेस्टमेंट है किस तरीके से आप ट्रेड वगैरह कर रहे हैं आपका किस तरीके से इकोनॉमिकली आपकी बैंक चल रही है इन सभी को मद्देनजर रखते हुए विद इन ओवरनाइट जो है आप बोरो कर सकते हैं मनी इसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं बैंक रेट इट इज द रेट एट विच आरबीआई इज रेडी टू बाई और रेड डिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज और अदर कमर्शियल पेपर्स

एंड सी सी आर आर सबसे इंपॉर्टेंट क्रैश रिजर्व रेशियो द एवरेज डेली बैलेंस दट इज बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन विथ आरबीआई कितना अमाउंट या फिर कितना पैसा चाहिए कि एक स्टेड्यूल कमर्शियल बैंक या फिर एक पब्लिक सेक्टर बैंक आर के पास ऐसे डिपॉजिट्स रखना पड़ेगा उन्हें यह जरूरी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं या फिर परसेंटेज के फॉर्म में भी कहा जाता है थ्री परसेंट फोर परसेंट टेन परसेंट इस तरीके से जितने भी बैंक के डिपॉजिट्स हैं मान लेते हैं कि अगर टेन परसेंट कैश रिजर्व रेशियो है तो टेन परसेंट ऑफ योर टोटल डिपॉजिट्स हैव टू बी केप्ट ठीक है तो इसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लेब इज दट द रिजर्व बैंक में नोटिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम इन गेजेट ऑफ इंडिया और ये मैंडेटरी होता है हर बैंक को चाहिए कि वो कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करें और नेक्स्ट वन है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एल आर ऑफ नेट डिमांड एंड टोटल अ बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन सेफ एंड लिक्विड सच एज एनकम्फर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैश गोल्ड यानी कि कितना अमाउंट ऑफ शेयर जो है अगेन डिपॉजिट्स का आपको गोल्ड फॉर्म में कैश फॉर्म में सिक्योरिटीज के फॉर्म में बचा कर रखना है इसे जो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं यानी कि स्पेसिफिकली अगर कोई भी कल को लॉसिस आ जाए तो आप ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का जो अमाउंट रखा हुआ है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं चेंजेस इन एस एल आर ऑफ एन क्टर अगेन for for ये भी आरबीआई इस तरीके से इस्तेमाल करता है कि वहां पर मनी की सप्लाई कम हो या फिर घटाया जाए या फिर बढ़ाया जाए तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी क्रेडिट एंड मॉनिटरी पॉलिसी के बारे में थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो